अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भैया गोल्फ अपार्टमेंट आया था तो सोचा आज आप लोगों को इसका मॉडल अपार्टमेंट विज़िट कराऊं और जो खूबसूरत सा इन्होंने ये नेचर के साथ इसको मर्ज करके खूबसूरत बनाया है, आज आपको उसका व्यू दिखाते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ। तो ये है वो खूबसूरत सा अपार्टमेंट। जैसे ही आप इस अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने खूबसूरत सा मिरर लगाया हुआ है। ये लाउंज का एरिया है, ये बेसिकली 3 बेड अपार्टमेंट है, उसका मॉडल अपार्टमेंट बनाया हुआ है। पहले आपको ये विज़िट करवा रहा हूँ। तो ये 3 बेड अपार्टमेंट में अंदर एंट्रेंस के साथ ही आपका खूबसूरत सा लाउंज का एरिया मौजूद है, जिसमें आपके सोफ़े और साथ साथ डाइनिंग का जो एरिया है वो स्पेसिफिक उन्होंने दिया हुआ है, तो इनफ स्पेस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अंदर जो फर्स्ट बेडरूम है, जो कि मास्टर बेडरूम है, ये आपको विजिट करवाता हूँ। तो ये इनका मास्टर बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा। ये इन्होंने पीछे शीशे का वर्क भी किया हुआ है और साथ ही साथ इन्होंने ये वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो ये मास्टर बेडरूम है। इसकी जो वार्डरोब है वो इन्होंने बिल्कुल अंदर रूम के अंदर जो ये छोटा सा एरिया है वहाँ पर इन्होंने ये वार्डरोब का एरिया दिया हुआ है। वार्डरोब की भी अच्छी खासी इनफ स्पेस है, दोनों तरफ वार्डरोब आती है और ये आप देख सकते हैं वार्डरोब के अंदर भी इन्होंने लाइट्स का काम किया हुआ है। अब हम जब ये वॉशरूम के अंदर आते हैं तो वॉशरूम का भी अच्छा खासा इनफ स्पेस है, काफ़ी लग्जरी, और क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो इसमें आपका जो है स्पेस भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है। जो इन्होंने वुडन डोर रखे हुए हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, इसमें ये आपको कन्फर्म करता जाऊँ, ये जितना इन्होंने ये काम यहाँ पर किया हुआ है ये कुछ भी इसमें मौजूद नहीं होगा। ये सारा का सारा, ये मिरर वर्क हो या ये वॉलपेपर हो, सिर्फ वॉल सीलिंग इस पूरे काम में मौजूद है। उसके अलावा आपको ख़ुद से ये सारा काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, इसकी यहाँ पर एक विंडो मौजूद है, यहाँ से आपका जो अपार्टमेंट का व्यू होगा, चाहे अगर आपने गोल्फ व्यू अपार्टमेंट लिया हुआ होगा तो ये खूबसूरत सा आपका व्यू यहाँ पर होगा मौजूद। अच्छा, ये एक वार्डरोब बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है रूम के बाहर, तो हर स्पेस को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। अच्छा, ये पाउडर वॉशरूम है, ये पाउडर वॉशरूम जो है आपके ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस गेट के साथ ही यहाँ पर मौजूद है। स्टोर रूम का एरिया भी स्पेसिफिक इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने कैबिनेट्स, अगर घर में आपके कैबिनेट्स की ज़रूरत है तो आप स्टोर में आप यहाँ पर भी ये बना सकते हैं। अब मैं आपको जो इसका सेकेंड बेडरूम है ये विज़िट करवाता हूँ। ये मास्टर बेड से थोड़ा सा छोटा है लेकिन साइज़ के अतबार से यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि वार्डरोब का एरिया भी स्पेसिफिक है। अच्छा, ये वॉशरूम का साइज़ उससे कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन ये दूसरा वॉशरूम है यहाँ पर, इसकी भी अपनी एक बेल्कनी यहाँ पर मौजूद है। तो हर बेडरूम की आप देख सकते हैं कि आपकी लाउंज में भी बेल्कनी थी, यहाँ पर इस रूम की भी मौजूद है। अच्छा, फॉल सीलिंग का काम आपको इस घर के अंदर जितना भी नज़र आ रहा है वो सारा का सारा फॉल सीलिंग का काम भी ये लोग करके देंगे आपको, सिवाय जो ये वुडन वर्क है, ये वुडन वर्क जो है इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको थर्ड बेडरूम विजिट करवा दूं। अच्छा, ये थर्ड बेडरूम जो 3 बेडरूम जितने भी हैं उसके अंदर ये इन्होंने किड के नाम से इसको रूम बनाया हुआ है। छोटा सा रूम है, कोई इतना बड़ा साइज़ नहीं है लेकिन इनफ स्पेस है। इसकी भी अपनी बेल्कनी मौजूद है, इसमें भी वार्डरोब आपकी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ इसका वॉशरूम की स्पेस भी सेम जो 2 बेडरूम जो सेकेंड वाला रूम था उसके साइज़ जैसी इसकी यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी आप देख सकते हैं इसका इनफ स्पेस है। अब मैं आप लोगों को इसका जो किचन है, किचन का साइज़ इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है और साथ साथ इन्होंने किचन में इसको बिल्कुल सेपरेट रख के एक रूम की तरह इसको डिज़ाइन किया है। तो ये आप थोड़ा सा देखें, लग्जीरियस इन्होंने इसकी खूबसूरत सा डिज़ाइन करके वुडन वर्क में इसकी कैबिनेट्स इसकी डिज़ाइन की हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सेम इसी लेआउट में आपका किचन इसका बना हुआ होगा और सिर्फ इसमें ये 2 चीज़ें चिमनी और ये स्टोव जो है इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी आपको एज इट इज़ किचन बना के दिया जाएगा। अच्छा, मैं इसमें आप लोगों को एक बात क्लियर करता जाऊं कि ये 3 बेडरूम और 2 बेडरूम दोनों का सेम लेआउट है, सिर्फ उसमें फ़र्क इतना होगा कि अगर आप यहाँ से आ जाएं, ये जो 3rd बेडरूम आपको नज़र आ रहा है, इस 3rd बेडरूम ये मौजूद नहीं होगा, ये वॉशिंग एरिया इस तरफ आगे की तरफ आ जाएगा। अगर आपने 2 बेडरूम बुक किया हुआ है तो बाकी का पूरा लेआउट, चाहे उसका लाउंज, उसका मास्टर बेड, ये सेकंड बेडरूम के बाद किचन, पाउडर वॉशरूम भी यही होगा। अगर 2 बेड होगा तो इस वाले एरिया में आपकी जो ये 3rd बेडरूम की तरफ ऐसे जा रहा है, इस तरफ आपका ये वॉशिंग एरिया आ जाएगा। अगर आपने 3 बेडरूम बुक किया हुआ है तो सेम यही लेआउट होगा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस खूबसूरत से अपार्टमेंट को विज़िट करने में, ताकि आप लोगों तक एक अच्छा अपार्टमेंट
कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए कि भैया टाउन कराची में आप आएँ, क्योंकि भैया टाउन का इट्सेल्फ एक लाइफस्टाइल नाम है और उस लाइफस्टाइल के अंदर पैरागॉन जैसा नाम भी मिल जाए और जो नेचर खूबसूरती जो कि गोल्फ़ के अंदर उन्होंने ग्रीनरी से उसको भरा हुआ है वो भी आपके सामने हो, तो सारी की सारी खूबियां इस जगह के ऊपर मौजूद है। तो इंतज़ार किस बात का, इस खूबसूरत तरीन अपार्टमेंट में अपना अपार्टमेंट बुक करवाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अपार्टमेंट जो मॉडल विला ये काफ़ी पसंद आया होगा, मॉडल अपार्टमेंट, तो ज़रूर आप लोग अपनी बुकिंग के लिए हमसे रابطہ करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।